गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेक्चर सीरीज 20 को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर थर्ड को पढ़ रहे हैं, जो हम लोगों का वेल्डिंग प्रोसेस चल रहा है, इस वेल्डिंग प्रोसेस में हमने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर दिया था। साथ में हमने आपको पावर सोर्सेज के बारे में डिस्कस कर दिया था, मतलब वेल्डिंग में जो हमारे रिक्वायर्ड एलिमेंट होते थे वो कौन कौन से होते थे। उनमें से हमने आपको एक एलिमेंट पावर सोर्स के बारे में डिस्कस कर दिया था। वो पावर सोर्स हमारा एसी और डीसी होता था। एसी ट्रांसफार्मर पे हमने डिस्कस किया था, डीसी मशीन के बारे में डिस्कस किया था, उन पे होने वाले इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया था। अब आज का टॉपिक माय डियर जो हम लोग लेके चलेंगे, नेक्स्ट रिक्वायर्ड एलिमेंट इन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग इज इलेक्ट्रोड। तो टुडे हम लोग इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोड क्या होता है और इस इलेक्ट्रोड का यूज कहाँ पे करते हैं, इस इलेक्ट्रोड के इंग्रेडिएंट क्या क्या होते हैं, इनके क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले माय डियर हम ये समझते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड हमारे पास टर्म है, इलेक्ट्रोड, इसे हिंदी में भी इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। अब यहां पे देखो इस इलेक्ट्रोड के बारे में कि ये क्या होता है। सिंपल सी बात समझिएगा, जब हमें मोटी प्लेटों की वेल्डिंग करनी होती है तो वहां पर प्लेट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमें यहां पे ज्यादा से ज्यादा, अगर पतली प्लेट होती तो दोनों प्लेटों को पास में रख देते, यहाँ आर्क जनरेट करते, दोनों प्लेट आपस में मिल्ट हो जाती और मिल्ट होकर आपस में ही जुड़ जाती। यहाँ पर फिलर मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ पर नो फिलर मटेरियल। लेकिन अगर हमारी प्लेट की थिकनेस ज़्यादा मोटी हो तो उस समय इस जॉइंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा देखो एक इस तरीके से फिलर मटेरियल का यूज करेंगे। इस पर कोटिंग भी करते हैं, कोटिंग नहीं भी करते हैं। अब इसका जो हम लोग यूज करते हैं माय डियर, यही हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोड। ये मेल्ट होगा, वर्कपीस भी मेल्ट होगा, दोनों आकर आपस में मिक्स होंगे और प्रॉपर होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे। देन दोनों आपस में सॉलिडिफाई होंगे और एक स्ट्रांग जॉइंट बनेगा। इवन देन अगर प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रोड और बेस मेटल मिक्स होकर सॉलिडिफाई हुए हैं तो जो हमारा ये बीड कहलाता है, इस बीड की स्ट्रेंथ ग्रेटर होगी ये सारे बेस मेटल स्ट्रेंथ। तो इस तरीके से इस एलिमेंट को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोड एक फिलर मटेरियल की तरह यूज किया जाता है और इस इलेक्ट्रोड को हम लोग विदाउट कोटिंग भी इस तरीके से एक सिंपल सी रॉड होगी, यहाँ पकड़ने के लिए ग्रिप दिया जाता है और ये प्योर हो गई। अब इसके ऊपर हम कोटिंग भी कर देते हैं, इस तरीके से फ्लक्स की कोटिंग भी कर देते हैं, तो प्योर इलेक्ट्रोड भी यूज किया जाएगा और कोटेड इलेक्ट्रोड भी यूज किया जाएगा। चलिए अब उसी इलेक्ट्रोड के क्लासिफिकेशन के बारे में डियर हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड माय डियर दो तरीके का होता है। पहला इलेक्ट्रोड होता है कंज्यूमेबल और दूसरा इलेक्ट्रोड होता है नॉन कंज्यूमेबल। अब देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड मेल्ट होकर इसमें डिपॉजिट हो रहा है। अगर इलेक्ट्रोड को हम कुछ ऐसा बना दें, मान लीजिए ये वर्क पीस हो जाए, अब यहाँ पे हमें वेल्डिंग करना है, अब यहाँ पे एक ऐसी रॉड ले लें, अब इस रॉड को हम लोग ऐसी ले लें और ऐसा ले लें, अब इन दोनों रॉड को पावर सोर्स से हम लोग ऐसे कनेक्ट कर दें और इसको भी किसी एक को निगेटिव से कनेक्ट कर दें, किसी एक को पॉजिटिव से, करंट फ्लो होगी, यहाँ पे एयर गैप होने के कारण हीट एनर्जी से आयोनाइजेशन होगा और इस तरीके से एक नगेट फॉर्म होगा।
देन इस इलेक्ट्रोड से प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे पावर सोर्स को रोककर, स्टॉप करेंगे पावर सोर्स, देन प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे, आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ये प्लेट एक दूसरे के साथ वेल्ड हो जाएगी। तो इस केस में भी माय डियर ये हमारा इलेक्ट्रोड ही है। अब ये दिमाग में मत बना के रखना कि इलेक्ट्रोड केवल जब मेल्ट होगा तभी कहलाएगा, तो ये हमारा इलेक्ट्रोड ही है लेकिन यह मेल्ट नहीं हो रहा है, यह विदाउट मेल्ट हुए वेल्डिंग को परफॉर्म। तो मेल्टिंग के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल होता है और सेकंड इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल होता है। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जो मेल्ट होकर फिलर मटेरियल के साथ मिक्स हो और एक स्ट्रांग बीड ज्वाइंट बनाए उसे हम लोग कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। नॉन कंज्यूमेबल का मतलब जो इलेक्ट्रोड हमारा कुछ इस तरीके से हो इसे नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड बोलेंगे, वेल्डिंग के समय यह हमारा मेल्ट नहीं होगा। अब नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जितने भी रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग, और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, आर्क वेल्डिंग में करते हैं। अब देखो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का पहले स्पेसिफिकेशन आप समझ लो फिर कंज्यूमेबल पे आते हैं, या कंज्यूमेबल पे हम लोग देख लेते हैं। तो कंज्यूमेबल पे देखो जो हमारे इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग की जाती है ये जो वायर होते हैं, अब एक तो हमारे प्लेन वायर होते हैं जिसपे कोई कोटिंग नहीं की जाती है, नो फ्लक्स, फ्लक्स की कोई कोटिंग नहीं की जाती है, इस तरीके के इलेक्ट्रोड को बेयर इलेक्ट्रोड कहते हैं। और अगर इस पे फ्लक्स की कोटिंग कर दी जाए, इस तरीके से इलेक्ट्रोड हो और इस पे ऐसी कोटिंग कर दी जाए, ये मान लो इलेक्ट्रोड हो जाए, अब इस पे देखो ऐसी कोटिंग कर दी जाए, ये होता है फ्लक्स। इनके इंग्रेडिएंट अभी हम लोग पढ़ेंगे, इस फ्लक्स में कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिलाए जाएंगे, सल्फर, फास्फोरस, इन सारी चीज़ों को देखेंगे, निकिल, कॉपर, जिंक सब मिलाए जाएंगे, सबके अलग अलग इफेक्ट आएंगे, तो अभी उसकी बात नहीं करेंगे, अभी केवल इस कोटिंग की बात कर रहे हैं। अगर इस वायर पर कोटिंग होगी तो वो कहलाएगा फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड, अगर कोटिंग नहीं होगी केवल वायर होगा तो इसे हम लोग कहेंगे पेयर इलेक्ट्रोड। अब बात करते हैं नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के स्पेसिफिकेशन के बारे में। जो इलेक्ट्रोड हमारा मेल्ट ना हो ये इलेक्ट्रोड इस तरीके से होगा, इसका टिप कुछ ऐसा भी बना सकते हैं, अब ये मेल्ट नहीं होगा और इसके ऊपर किसी चीज की कोटिंग नहीं की जाएगी तो ये कहलाएगा नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। जनरली इसे हम लोग टंगस्टन या कॉपर का बनाते हैं, टंगस्टन या कॉपर का, ग्रेफाइट का भी बनाते हैं, तो मटेरियल के बारे में भी आएंगे। लेकिन नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का स्पेसिफिकेशन अगर देखें, यदि इसका डायमीटर डी हो और इसकी लेंथ एल हो, एल इज द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड एंड डी इज द डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, तो उस समय इसका स्पेसिफिकेशन देखो, यदि डायमीटर, देखो डायमीटर हमारा 2 mm हो तो लेंथ हमारी 250 mm इलेक्ट्रोड की आती है। स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड हमारे होते हैं मार्केट में, यदि लेंथ हमारी L बराबर 250 mm हो तो उस इलेक्ट्रोड का डाया हमारा 2 mm का होगा। यदि डाया बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोड की लेंथ भी बढ़ेगी, यदि डाया 2.5 mm हो तो लेंथ हमारी 300 mm की हो जाएगी, डाया 3 mm हो तो लेंथ 350 mm की ले लेंगे, और यदि डायामीटर हम 4 mm का लेंगे तो लेंथ हमारी 450 mm तक। तो एक स्टैंडर्ड डायमीटर का हमारा इलेक्ट्रोड मार्केट में अवेलेबल होता है, जैसी हमें रिक्वायर्ड होती है वैसा इलेक्ट्रोड हम परचेज करते हैं। इनके जब मटेरियल के अकॉर्डिंग इनको हम क्लासीफाई करते हैं तो ये देखो दो तरीके से क्लासीफाई किए जाते हैं, एक कॉपर या ग्रेफाइट बेस इलेक्ट्रोड होते हैं और एक हमारे टंगस्टन इलेक्ट्रोड होते हैं। टंगस्टन में आपका प्योर टंगस्टन मिला होता है प्लस कुछ इंग्रेडिएंट मिलाते हैं, उन इंग्रेडिएंट में क्या क्या मिलाएंगे, जैसे एक तो प्योर टंगस्टन होता है, दूसरा थोरियम प्लस टंगस्टन होता है, तीसरा जर्कोनियम प्लस आपका टंगस्टन होता है। तो जो प्योर टंगस्टन होगा उसे बोलेंगे प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड, अगर उसमें टंगस्टन में कुछ परसेंट थोरियम मिला देंगे तो उसे बोलेंगे थोरिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड, और अगर उसमें जर्कोनियम मिला देंगे
जर्कोनिएटेड टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है। इधर आइए बात करते हैं अपने कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में। एक बेयर इलेक्ट्रोड होगा जिसमें कोई कोटिंग नहीं होगी, एक फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड होगा जिसमें फ्लक्स की कोटिंग होगी। अब ये जो कोटिंग होती है माय डियर, ये जो कोटिंग होती है, इस कोटिंग के अकॉर्डिंग हम लोग इसे तीन तरीके से क्लासिफाई। पहला, यदि कोटिंग बहुत कम हो, हल्की हो, तो इसे बोलेंगे लाइट कोटिंग। यदि कोटिंग की थिकनेस कुछ बढ़ा दी जाए तो इसे हम लोग मीडियम कोटिंग बोलेंगे, और कोटिंग की थिकनेस ज़्यादा रखी जाएगी तो हाई कोटिंग बोलेंगे। इसे निकालने के लिए हम लोग क्या है, कोटिंग फैक्टर पढ़ेंगे। डायमीटर ऑफ होल इलेक्ट्रोड अपॉन डायमीटर ऑफ वायर इज कॉल्ड कोटिंग फैक्टर होता है, और वह कोटिंग फैक्टर हमारा ग्रेटर देन वन होता है। अभी इस पर भी हम लोग आएंगे। कोटिंग फैक्टर कुछ नहीं होता है, कोटिंग फैक्टर हमारा क्या होता है कि ये मान लो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना हम लोगों ने क्या किया, कोटिंग किया है, इसका होल डायमीटर अगर हम लोग D1 ले लें और इस वायर का डायमीटर D2 ले लें तो द कोटिंग फैक्टर इज द रेशियो ऑफ D1 अपॉन D2। अब हम ये जानते हैं किसी भी वायर में थोड़ी सी भी कोटिंग करेंगे तो उसका डायमीटर बढ़ेगा, मतलब D1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन D2, इसका मतलब कोटिंग फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यही कोटिंग फैक्टर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इन्हें इलेक्ट्रोड के मेटल के बारे में समझते हैं। ये जो वायर हमारा दिखाई दे रहा है माय डियर, यही इलेक्ट्रोड का मेटल होता है। किस मेटल का हम लोग बनाते हैं, चलिए समझते हैं इन इलेक्ट्रोड के मेटल के बारे में। देखो, पहले नॉन फेरस एलॉय के बनाते हैं, एलॉय स्टील के बनाते हैं, हाई कार्बन स्टील के बनाते हैं और माइल्ड स्टील के बनाते हैं। नॉन फेरस एलॉय, एलॉय स्टील, हाई कार्बन स्टील एंड माइल्ड स्टील के सारे परसेंटेज ऑफ कार्बन मैंने आपको इसके इंग्रेडिएंट पे बता रखे हैं, जो हम लोगों ने मेटल एंड इट्स क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 पर, तो वहाँ पे आप इसको जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो नॉन फेरस होते हैं इलेक्ट्रोड, नॉन फेरस की कैटेगरी आपकी जो बनती है वो कौन कौन सी बनती है, निकिल कोबाल्ट बेस नॉन फेरस होते हैं, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज बेस नॉन फेरस होते हैं, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज बेस नॉन फेरस होते हैं, लेड ब्रॉन्ज बेस होते हैं और एल्यूमिनियम बेस। ये क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोड के इंग्रेडिएंट क्या क्या होते हैं, इसीलिए हमने आपको ये चार्ट बना के दिखाया है। मे भी हो सकता है कभी आपका क्वेश्चन पूछ ले कि नॉन फेरस इलेक्ट्रोड के कंपोजिशन क्या होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि निकिल, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, फास्फोरस, लेड, ये सारे हमारे नॉन फेरस इंग्रेडिएंट हैं। इन्हीं को आपस में कम ज़्यादा करके मिलाकर नॉन फेरस इलेक्ट्रोड बना। अब देखिए, एलॉय स्टील हमारे क्या होते हैं, आयरन में जितने भी हम कंपोजिशन मिला देते हैं तो वो हमारे एलॉय स्टील कहलाते हैं। तो क्या क्या मिलाते हैं, जैसे क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, वेनेडियम, इसे मिला देने पर एक हमारा इलेक्ट्रोड बनेगा। फिर क्रोमियम, निकिल, मॉलिब्डेनम का इलेक्ट्रोड बनाएंगे, फिर निकिल, मॉलिब्डेनम, वेनेडियम का इलेक्ट्रोड बनाते हैं, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम का बनाते हैं, मैग्नीज और मॉलिब्डेनम का बनाते हैं, क्रोमियम, निकिल, मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट और स्टील का बनाते हैं, और लास्ट में निकिल और क्रोमियम के बनाते हैं। तो ये सारे कंपोजिशन ऑफ एलॉय स्टील के इलेक्ट्रोड होते हैं। इसे आपको याद करने की जरूरत नहीं, केवल आपको समझना है कि इनके सारे इंग्रेडिएंट क्या क्या हो। ये सब एग्जाम में नहीं आता है, केवल आपके एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप इस पे टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। आपको जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट ये है कि बेयर इलेक्ट्रोड क्या होता है, फ्लक्स कोटेड क्या होता है, कोटिंग फैक्टर, ये इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा वो हम आपको बताते चलेंगे, और जहाँ इम्पोर्टेंट होगा वहाँ पे हाईलाइट करेंगे, तो वेरी इम्पोर्टेंट होगा उसे ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। ये हो गया, और ये आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के मटेरियल के बारे में। तो बेसिकली तीन मटेरियल का होता है, टंगस्टन का बनाते हैं, कॉपर का बनाते हैं, ग्रेफाइट का। टंगस्टन का आपका ज़्यादा यूज करें। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोड कोटिंग कैरेक्टरिस्टिक। जो इलेक्ट्रोड पे हम लोग फ्लक्स की कोटिंग करते हैं, कौन से फ्लक्स की कोटिंग करते हैं, इस तरीके से। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है यही हमारा फ्लक्स होता है, ये हमारा वायर होता है, इलेक्ट्रोड वायर होता है। देखो इसका डायमीटर आपको कम दिखाई दे रहा है,
लेकिन इसका डायमीटर आपको क्या है ज्यादा दिखाई दे रहा है। कोटिंग फैक्टर निकालेंगे तो ऑलवेज अगर इसे हम लोग डी वन लें और इसे डी टू लें तो डी वन इज ग्रेटर देन डी टू देन कोटिंग फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन होता है। यही हमारा है कोटिंग फैक्टर। कोटिंग फैक्टर क्या है? डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड अपॉन डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड वायर। इस इलेक्ट्रोड का टोटल डायमीटर अपॉन इलेक्ट्रोड वायर का डायमीटर कॉल्ड कोटिंग फैक्टर एंड कोटिंग फैक्टर ग्रेटर देन। चलिए अब यहाँ देखो जो करैक्टरिस्टिक ऑफ कोटिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं, जो हम कोटिंग फैक्टर यूज करते हैं उनके क्या क्या गुण होने चाहिए, वो क्यों यूज करते हैं। एक चीज समझो, अगर हम यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं, मान लो ये आर्क बन जाए, ये हमारी आर्क बन जाए, अब उसके बाद इसे हम लोग कनेक्ट कर पावर से नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब ये आर्क हमारी स्टेबल होनी चाहिए। अगर आर्क स्टेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे माय डियर, उस कोटिंग मटेरियल में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट मिला देंगे जिससे ये आर्क स्टेबल है, मतलब लगातार बर्न होती रहे। जो हमारी आर्क बर्न होती रहती है मीन्स स्टेबल रहती है, तो कुछ तो हम आर्क को स्टेबल करने के लिए इंग्रेडिएंट मिलाते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अगर मान लो यहाँ पे दो वर्क पीस हैं, अब यहाँ जो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फिलर मटेरियल ऐड कर रहे हैं। अब बेस मेटल और फिलर मेटल लगभग सेम यूज करते हैं, अगर दोनों को मिलाने के बाद भी इस जॉइंट की स्ट्रेंथ हमें जितने रिक्वायर्ड थी उतनी नहीं मिल पा रही है, तो हमें हाई स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे माय डियर, यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड की कोटिंग में कुछ ऐसे मटेरियल को पाउडर फॉर्म में पीस के मेल्ट कर मिला देंगे कि वो मेल्ट नहीं होंगे लेकिन वो क्या करेंगे यहाँ पर आके इसके साथ मिक्स हो जाएंगे और इसकी स्ट्रेंथ को और बढ़ा देंगे। ऐसे इंग्रेडिएंट को भी हम लोग मिलाते हैं कुछ इन्वायरमेंटल इफेक्ट को रोकने के लिए। जैसे अब यहाँ वेल्डिंग हो रही है, मॉइस्चर कंटेंट आएगा तो यहाँ स्लैग बनाना शुरू कर, इस स्लैग के फॉर्मेशन को रोकने के लिए भी हम इंग्रेडिएंट मिलाते हैं। तो वही सब पढ़ने चल रहे हैं। यहाँ देखिए पहला क्या होता है करेक्टरिस्टिक, फर्स्ट हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव एटमोसफियर। इस इलेक्ट्रोड को बनाते हैं तो जिससे हमारे वेल्डिंग के लिए एक प्रोटेक्टिव एटमॉस्फियर तैयार हो जाता है जिससे हमारी वेल्ड बीड या वेल्ड मटेरियल इफेक्टेड नहीं होता है जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं, एटमॉस्फियर से सेफ रहता है। सेकेंड स्टेबलाइजर द आर्क, हम वेल्डिंग करते हैं आर्क कभी कम ज़्यादा होगी, उस आर्क को कम ज़्यादा से रोकने के लिए कॉन्स्टेंट बनाए रखने के लिए हम जिस कोटिंग मटेरियल का यूज करते हैं वो हमारी आर्क स्टेबलाइजर की तरह काम करती है। थर्ड क्या होता है, प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव स्लैग कोटिंग टू एक्युमुलेट इम्प्योरिटीज कॉमा प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड स्लो द कूलिंग ऑफ द वेल्ड मेटल। अब देखो अगर वेल्डिंग करेंगे यहाँ फास्ट कूलिंग हो जाए तो क्विंचिंग कूल हो जाएगा जिससे ये मेटल की स्ट्रेंथ आपकी कमजोर हो जाएगी, तो हम चाहेंगे कि इसकी कूलिंग रेट स्लो हो। उस रेट को स्लो करने के लिए इस इलेक्ट्रोड में कुछ इंग्रेडिएंट मिलाएंगे वह उनके कूलिंग रेट को स्लो कर देगा, साथ में इस एटमॉस्फेयर से भी प्रोटेक्ट करेगा, और अगर ऑक्सीजन एयर H2O आएगी इसके साथ रिएक्ट करके आयरन के ऑक्साइड बनाने लगे Fe2O3 बनाने लगे ये हमारे लिए बेकार है, तो इस आयरन के ऑक्साइड को बनाने से रोकने के लिए भी हम कुछ इंग्रेडिएंट इसमें मिलाते हैं। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, रिड्यूस स्पेल्टर। अब यहाँ स्पेल्टर मतलब छलकना होता है, अगर स्पीड कम ज़्यादा होगी वहाँ छलकेगा, जैसे आप पानी ले लो ऐसे आप फूकिए बहुत तेज़ी से तो क्या होगा वहाँ पे छलकने लगता है। अगर आप छोटे से ढक्कन ले लो, छोटी सी ग्लास में पानी भरो और ऐसे खूब तेज़ी से फूकेंगे तो पानी छलकना शुरू, उसी को स्पेल्टर बोलते हैं। तो ऐसे वेल्डिंग में भी जब स्पीड कम ज़्यादा होती है, आर्क बहुत ज़्यादा होती है, तो मटेरियल स्पेल्टर होने लगते हैं, तो वहाँ गड्ढे बनने लगते हैं, उसे रोकने के लिए भी हम लोग कुछ इंग्रेडिएंट मिलाते हैं। नेक्स्ट ऐड एलॉयिंग एलिमेंट, कुछ उसमें एलॉयिंग एलिमेंट मिला देते हैं जिससे ज्वाइंट की स्ट्रेंथ आपकी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए कुछ हम लोग एलॉइंग एलिमेंट। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अब देखो ऐड एलॉइंग एलिमेंट,
अफेक्ट आर्क पेनिट्रेशन। आर्क पेनिट्रेशन अभी हम आपको बताएंगे कि देखो कभी कभी आर्क बहुत ज्यादा अंदर तक चली जाए, जैसे इसे हम लोग यहां पर, अगर आर्क केवल इतना डेप्थ तक करना था लेकिन अगर आर्क की स्पीड ज्यादा होगी तो वो हो सकता है वो यहां तक पेनिट्रेट कर जाए। इस पेनिट्रेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ मटेरियल ये यहां से यहां तक हो जाता है, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। इस पेनिट्रेशन को रोकने के लिए भी हम इंग्रेडिएंट मिलाते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, इन्फ्लुएंस द शेप ऑफ द वेल्ड बीट। इस वेल्ड बीट का शेप देखो अभी खराब बना है, हमें अच्छा बनाना है। शेप आपका कुछ ऐसा प्रॉपर तरीके से बनना चाहिए। इस प्रॉपर तरीके से शेप को बनाने के लिए भी, बने रहने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कोटिंग फैक्टर, मतलब कुछ कोटिंग इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एड एडिशनल फिलर मटेरियल। आप मान लो कि फिलर मटेरियल की क्वांटिटी कम हो, फिलर रॉड का डायमीटर कम हो, तो ज्यादा रिक्वायर्ड अगर फिलर मटेरियल की, वहां पर वो उस तरीके से फिलर मटेरियल की तरह भी। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोड कोटिंग। अब इलेक्ट्रोड में जब हम लोग कोटिंग करते हैं माय डियर, तो इसमें ये जो मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है, देखो दानेदार मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है, येलो कलर का मटेरियल दिखाई दे रहा है, ये तो हमारी रॉड होती है, इसी को हम लोग फिलर मटेरियल बोलते हैं, फिलर मटेरियल बोलते हैं। अब यहां पे हमारा क्या होते हैं, ये होते हैं फ्लक्स, फ्लक्स होते हैं। अब यहां पे देखो ये कोटिंग फैक्टर मैंने बता दिया है, उस इलेक्ट्रोड में ये जो फ्लक्स को हम लोग मिलाते हैं, तो इस फ्लक्स में कई सारे इंग्रेडिएंट हम लोग मिक्स करते हैं और उसका पेस्ट बनाकर इसके ऊपर लेप करके इसे ड्राई कर देते हैं। देन आफ्टर यह चलिए, अब फ्लक्सिंग एजेंट इधर हम लोग क्या क्या मिलाएंगे, और उस फ्लक्सिंग एजेंट में हमारा देखो ये इंग्रेडिएंट हो गया और ये फंक्शन हो गया। अगर देखो फ्लक्सिंग एजेंट मतलब जो हमारे होते हैं सिलिका, कार्बन मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और फल्सफर, इन्हें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रोड में फ्लक्सिंग एजेंट के रूप में क्या क्या ऐड करते हैं, सिलिका, कैल्शियम ऑक्साइड और फल्सफर यूज। अब अगर वेल्डिंग कर रहे हो उस पर स्लैग बनाना हो, स्लैग मतलब एक लेयर बनानी हो जिसे बाद में हैमरिंग एक्शन करके तोड़ देते हैं, और स्लैग से क्या होता है कि हमारी कूलिंग रेट कम हो जाती है और वेल्डिंग एटमॉस्फेयर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है जिससे हमारा वेल्ड बीड सुरक्षित रहता है, उसे हम लोग मान लो वेल्डिंग हो गया। अब देखिए आप यहां पे हमने वेल्डिंग कर दिया, अब आप समझना ये मैंने वेल्डिंग, मान लीजिए कलर बदल के आप ये हमने वेल्डिंग कर दी, आप इस तरीके से सपोज करो कि मैंने वेल्डिंग कर दी। आप अगर वेल्डिंग करते चले जा रहे हैं तो ये वेल्ड बीड सीधे एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में आ रही है और वहां पे क्या होगी, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन के ऑक्साइड बनाने लगेगी, तो इसे हम लोग एटमॉस्फेयर से रोकने के लिए और कूलिंग रेट को स्लो करने के लिए, देखो इसका कूलिंग रेट भी स्लो रखेंगे, अगर हाई कूलिंग रेट रखेंगे तो यहाँ पे हार्डनेस बढ़ जाएगी, तो कूलिंग रेट को स्लो रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि इस पर कुछ एक अलग से लेयर बनती चली जाए, तो उस पर एक मान लो हम इस तरीके से अलग से कूलिंग रेट ऐसी बना दें, अलग से इस पर एक लेयर हम लोग ऐसी बना दें, यहाँ पे देखो एक लेयर अलग से बनती चली जाए, वेल्ड बीड के ऊपर एक अलग से लेयर बनती चली जाए, इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लेयर को बोलते हैं स्लैग। लेकिन वेल्डिंग होने के बाद हम हैमरिंग एक्शन कर देते हैं तो ये स्लैग पपड़ी के रूप में टूटकर अलग हो जाती है और हमारी बीड सेफ रहती है, तो वही स्लैग हमारी बीड को एटमॉस्फेयर से सेफ होने से बचाती है और कूलिंग रेट भी सही रखती है। अब इस स्लैग जो बनती है, ये स्लैग कहाँ से बनती है, इसमें जो हमारे इलेक्ट्रोड में कुछ इंग्रेडिएंट मिले होते हैं वही आकर स्लैग बनाने लगते हैं। चलिए स्लैग फॉर्मेशन के लिए क्या क्या मटेरियल यूज करते हैं, रूटाइल, एल्यूमिना, सिलिका, सिलिका फ्लोर, कॉमा आयरन ऑक्साइड, कॉमा मैग्नीज डाइऑक्साइड, कॉमा फील्ड स्पेयर, ये इंग्रेडिएंट हमारे होते हैं स्लैग फॉर्मेशन के लिए। आपको ये रटना पड़ेगा, ये आता है, इसे याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्क स्टेबलाइजर, ये जो आर्क हमारी है, अब ये आर्क हमारी लगातार स्टेबल बनी रहे
इसके लिए क्या क्या यूज करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे तो अक्सर तक क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोड में आर्क स्टेबलाइजर के रूप में क्या क्या यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, पोटेशियम सिलिकेट, जर्कोनियम और कार्बोनेट। तो ये हमारे होते हैं पोटेशियम सिलिकेट, जर्कोनियम एंड कार्बोनेट इज यूज फॉर आर्क स्टेबलाइजर। कॉमा गैस फॉर्मिंग मटेरियल्स, जो हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस बनेंगी एटमॉस्फेरिक प्रेडिक्ट एटमॉस्फेयर से, उसे प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए, तो उनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सेलुलोस कॉमा लाइम स्टोन कॉमा वुड फ्लोर कॉमा कैल्शियम कार्बोनेट कॉमा डेक्सट्रीन कॉमा अदर कार्बोनेट्स। जो हम लोग जब वेल्डिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसे एक क्या होता है एयर मतलब गैस का इन्वॉल्व बन जाता है। अब ये गैस का इन्वॉल्व हम लोग डायरेक्ट क्या करते थे, आर्गन या हीलियम गैस, हीलियम इनर्ट गैस का यूज करके बना सकते हैं, या फिर अगर इनका यूज ना करें तो हमारे इलेक्ट्रोड में ही कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट मिला दें कि जो इसकी बीड को चारों तरफ प्रोटेक्ट करे, जिससे हमारी बीड डायरेक्ट नेचुरल एटमॉस्फेयर कॉन्टेक्ट में ना आए, उसी से के लिए हम लोग ये इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट क्या होता है, डीऑक्सीडाइजर, मतलब लगातार ऑटोमेटिक अगर ऑक्सीडाइज होने लगे, एटमॉस्फेयर कॉन्टैक्ट में आए और ऑक्सीडाइज होने लगे, तो उसे रोकने के लिए डीऑक्सीडाइजर यूज करते हैं और वो इलेक्ट्रोड में ही मिक्स करते हैं। तो डीऑक्सीडाइजर में क्या होते हैं, फेरोसिलिकॉन कॉमा फेरोमैग्नीज, फेरोसिलिकॉन एंड फेरोमैग्नीज आयरन की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। बाइंडर, अब देखो इलेक्ट्रोड इसके साथ देखो चिपका हुआ है, अब चिपका क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक अच्छी बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, तो उस बाइंडर के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं, बाइंडर के रूप में सोडियम सिलिकेट पोटेशियम सिलिकेट का यूज करते हैं। तो सोडियम एंड पोटेशियम सिलिकेट का यूज हम लोग एज ए बाइंडर करते हैं। तो ये था हमारा इंग्रेडिएंट ऑफ इलेक्ट्रोड। आगे बढ़ते हैं, अब कोटिंग फैक्टर मैंने आपको बता दिया है, आगे बढ़ते हैं। कोटिंग इंग्रेडिएंट का जो हमारा मेन फंक्शन होता है, टू इंक्रीज द वेल्डिंग स्ट्रेंथ यूज ऑफ टंगस्टन निकिल कोबाल्ट एंड क्रोमियम। एक इंग्रेडिएंट यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया, अगर हमें वेल्डिंग स्ट्रेंथ को इंक्रीज करनी है तो उस इलेक्ट्रोड में क्या क्या मिलाएंगे, तो हम क्या क्या मिलाएंगे, टंगस्टन निकिल कोबाल्ट एंड क्रोमियम को मिला देने से वेल्डिंग स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज कर जाती है। साथ में टू मेंटेन द आर्क स्टेबलाइजर यूज सोडियम ऑक्साइड, देखो सोडियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड कॉमन टाइटेनियम ऑक्साइड। जैसे यहाँ पे देखो हम लोग आर्क स्टेबलाइजर ग्रुप में केवल पोटेशियम एंड सिलिकेट जर्कोनियम बताया, अब इसे भी आप लोग याद कर लेना कि आर्क स्टेबलाइजर ग्रुप में सोडियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड का यूज, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब एल्यूमिना एंड ग्रेफाइट आर यूज एज ए बाइंडिंग एलिमेंट बिटवीन फ्लक्स एंड इलेक्ट्रोड, फ्लक्स और इलेक्ट्रोड के बीच में हम लोग क्या करते हैं, इन्हें अच्छे तरीके से बाइंड होने के लिए एल्यूमिना एंड ग्रेफाइट का यूज करते हैं। लास्ट में देखो आयरन ऑक्साइड एंड सिलिकॉन आर यूज टू मेक स्लैग फॉर्मेशन। स्लैग मैंने आपको बताया एक पपड़ी होती है जिसे एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, ये हमारा होता है आयरन ऑक्साइड एंड सिलिकॉन का यूज कर। चलिए अब देखो सिलिका आपका एक फ्लक्सिंग एजेंट होता है, फेरोसिलिकॉन आपका क्या होता है डीऑक्सीडाइजर होता है, पोटेशियम सिलिकेट आपके आर्क स्टेबलाइजर होते हैं, सेल्युलोज आपके गैस फॉर्मिंग मटेरियल होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आपका सीधे पुटअप किया जाता है। सिलिका आपका फ्लक्सिंग, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि मतलब व्हाट इज द फ्लक्सिंग एजेंट इन फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड, ऑप्शन दे देगा सिलिका डीऑक्सीडाइजर और मतलब इस तरीके से देगा सिलिका फेरोसिलिकॉन पोटेशियम सिलिकेट एंड सेल्युलोज। तो सिलिका आपका फ्लक्सिंग एजेंट होगा, डीऑक्सीडाइजर के रूप में फेरोसिलिकॉन यूज करेंगे और आर्क स्टेबलाइजर के रूप में पोटेशियम सिलिकेट यूज करेंगे, पोटेशियम हो गया सल्फर हो गया फास्फोरस हो गया इनके सिलिकेट यूज कर, जो बारूद होते हैं जिसे हम लोग बारूद कहते हैं जी, है ना, ये हो गया हमारा। सेलुलोस हमारे क्या होते हैं
गैस फॉर्मिंग। अब आइए एक शुरू करते हैं, देखो वो तो हमारा था इलेक्ट्रोड के बारे में, अब हम लोग शुरू करते हैं जब वेल्डिंग करेंगे। तो वेल्डिंग करते वक्त जैसे मान लो कि ये हमारा वर्कपीस इतनी थिकनेस का था, ये वर्कपीस हमारा इतनी थिकनेस का था, लेकिन वेल्डिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि वेल्डिंग इतनी गहराई तक जाती है और इतनी अपर मतलब ऊपर भी उठी रहती है, इसे हम लोग बोलते हैं बीड। ये हमारी होती है बीड। बीड कौन सी बीड होती है? वेल्ड बीड होती है, वेल्ड बीड होती है। अब इस वेल्ड बीड में देखो इसकी हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे। इसकी ज्योमेट्री के लिए हम लोग देखेंगे कि कितना गहराई में जा रहा है। मान लो ये जो डी है, मान लो डी है वो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, अगर हम लोग बोले डी हम लोग डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन बोले, और आर हम लोग बोलते हैं, देखो ऊपर वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं रेनफोर्समेंट। ये जो हमारी बीड है इस ऊपरी हिस्से को, इस ऊपरी हिस्से को माय डियर हम लोग बोलते हैं रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट बोलते हैं, और निचले वाले हिस्से को बोलते हैं डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, ये हमारा होता है। अब इसके बाद देखो ये बीड आपकी ऐसे जाती है, तो यहां से यहां तक एक एंगल बनता है, इधर से देखो ये एक एंगल बनता है, मतलब अगर आपको यहां दिखाएं देखो ये ऐसी बीड बनती है, इधर से देखो तो ये एंगल हो गया, इधर से देखो तो ये एंगल हो गया, ये थीटा वन ये थीटा टू, हम ये जानते हैं थीटा वन बराबर थीटा टू के होता है, और इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ कन्वेक्सिटी, एंगल ऑफ कन्वेक्सिटी, कन्वेक्सिटी, और इसकी वैल्यू होती है 10 से 15 डिग्री। एंगल ऑफ कन्वेक्सिटी उत्तलता कोण, उत्तलता कोण जो रेन, इसे बोलते हैं रेनफोर्समेंट, ये हमारा होता है रेनफोर्समेंट, और रेनफोर्समेंट देखो कितना एंगल बना रहा है 10 से 15 डिग्री, एंगल ऑफ कन्वेक्सिटी इसे हम लोग बोलते हैं उत्तलता कोण, तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद अगर हम बात करें एपी इज द एरिया ऑफ पेनिट्रेशन, जितना मेटेरियल इसमें पेनिट्रेट हुआ है, यदि इसे हम लोग एपी से रिप्रेजेंट करें, और ए आर इज द एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, ये जितना हाइट इसकी गई है इसे हम लोग एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट के नाम से जाने, तो उस समय इस मटेरियल को, इस बीड को बनने में टोटल परसेंटेज ऑफ डाइल्यूशन, मतलब कितना हमें डाइल्यूशन लिक्विड की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए फार्मूला आपसे पूछा जाता है। तो परसेंटेज ऑफ डाइल्यूशन इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डाइल्यूशन इज इक्वल टू होता है एपी अपॉन एपी प्लस एआर, ये हमारा होता है परसेंटेज ऑफ डाइल्यूशन इज इक्वल टू एपी अपॉन एपी प्लस एआर इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में मिल जाता है। ये हमारा एरिया ऑफ बीड के बराबर भी होता है, इस बीड के एरिया के बराबर भी। वॉल्यूम अगर निकालना हो तो इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका वॉल्यूम हमारा मिल जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा होता है बीड का सिंपल सा इंट्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ये हमारी विड्थ ऑफ बीड है। आगे बढ़ते हैं कोटिंग इंग्रेडिएंट के लिए, देखो एक हमारे पास करंट आपका दिखाई दे रहा है, ये कोटिंग इंग्रेडिएंट से कोई मतलब इसका नहीं है, ये हमारी जो करंट दिखाई दे रही है, देखो इधर ऊपर जा रहे हैं वोल्टेज है और इधर हमारा क्या है टाइम है। अब यहाँ देखो यहाँ से यहाँ तक करंट हमारी इस तरीके से मिल जाएगा, हर स्टेप में करंट मिलेगी वो हमारी कहलाएगी डीसी, लेकिन इतना करंट मिले और इतनी देर तक हमारी करंट ना मिले, फिर इतनी करंट मिले फिर इतनी देर तक ब्रेक रहे, तो इसे हम लोग एसी बोलते हैं। चलो अब यहाँ से करंट यहाँ तक हमें मिलेगी और यहाँ पे नहीं मिलेगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसे हम लोग बोलते हैं वन साइकिल, ये हमारा होता है। अब इस तरीके से आर्क वेल्डिंग मशीन कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। ये जो हम लोग वेल्डिंग मशीन पे आर्क देख रहे हैं वो हमारी मशीन दो टाइप की होती है, इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना कम रहती है, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में इंट्रोडक्शन केवल देख लीजिए। इस पे हम लोग आर्क वेल्डिंग मशीन कितने टाइप की होती है, एक होती है ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक मशीन होती है और एक होती है फ्लैट करेक्टरिस्टिक मशीन। जो हमारी वेल्डिंग में मशीन यूज की जाती है आर्क बनाने के लिए,
वह दो तरीके से होती है, ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक मशीन एंड फ्लैट करेक्टरिस्टिक। इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बस ले लिया जाए। जैसे मान लो ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक मशीन का मतलब क्या है, दिस इज आल्सो कॉल्ड कॉन्स्टेंट करंट वेल्डिंग मशीन। मशीन कॉन्स्टेंट करंट मतलब यहाँ पे आई ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू आई आर्क के होगा। जितने करंट हमारी ट्रांसफार्मर देगा उतनी सारी की सारी करंट हमारी आर्क पर पहुंचेगी। इस टाइप के मशीन को ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक मशीन बोलते हैं। विच वेरी द वेल्डिंग वोल्टेज टू अकाउंट फॉर द चेंज इन द आर्क गैप, थॉस मेंटेनिंग द आर्क करंट इट्स प्लॉट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। भाई उसमें वोल्ट देखो, आर्क आपकी कांस्टेंट रहेगी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन दिखाएंगे। आगे देखो इसमें केवल इतना याद रखना कि बस आई ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू आई आर्क। इट कैन बी सीन दैट फॉर ए लार्ज चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। यह हमारा क्या भाई, करंट कांस्टेंट रहेगी, जो हमारी ट्रांसफार्मर से वोल्टेज जाएगा और जो हमारा आर्क पे पहुंचेगा, दोनों बीच में लार्ज चेंजेस आपको दिखाई देंगे। और साथ में द करस्पॉन्डिंग चेंज इन करंट इज सो स्मॉल, तभी तो करंट हमारी कांस्टेंट रहेगी, लगभग स्मॉल निग्लिजिबल चेंजेस होंगे। क्वालिटी ऑफ द वेल्ड कैन बी मेंटेन्ड, इसीलिए वेल्ड की क्वालिटी आपकी मेंटेन रहेगी। दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर मैनुअल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस सिंस द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट आर्क इज नियरली इम्पॉसिबल बाय द ह्यूमन। क्योंकि जब कोई आदमी हमारा वेल्डिंग कर रहा हो, अब बहुत ही स्किल्ड लेबर हो, फिर भी वह कांस्टेंट गैप तो नहीं कर पाएगा, कांस्टेंट स्पीड भी नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ स्पीड फ्लक्चुएशन आएगा और इलेक्ट्रोड टिप और वर्कपीस के बीच कुछ ना कुछ गैप भी आएगा। तो आर्क लेंथ जो हमारी होगी, देखो अभी आपको आर्क लेंथ भी पढ़ाएंगे। आर्क लेंथ ये हमारी क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड टिप एंड वर्कपीस। अब देखो मान लो ये वर्कपीस हो गया, यहाँ वेल्डिंग करना था, ये इलेक्ट्रोड हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग आर्क लेंथ बोलते हैं। अब एक अगर ह्यूमन करेगा तो ये आर्क लेंथ लगातार कांस्टेंट नहीं रहेगी, कंटिन्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी, फ्लक्चुएट होगी, साथ में वेल्डिंग स्पीड भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो इस तरीके से उसे कांस्टेंट रहने के लिए हमें कांस्टेंट आर्क चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक मशीन का। आगे बात करते हैं फ्लैट करेक्टरिस्टिक मशीन। इसका देखो इस तरीके से स्लोप आपका बनेगा, वोल्टेज का, करंट का, इस पर कोई विशेष आपको एग्जामिन नहीं करना है। अब बात करते हैं फ्लैट करेक्टरिस्टिक। यह मशीन हमारी क्या होती है, दिस इज आल्सो कॉल्ड कांस्टेंट वोल्टेज टाइप मशीन। मतलब वी ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू वी आर्क, जितना ट्रांसफार्मर आपका वोल्टेज देगा उतनी वोल्ट आपकी करंट तक आर्क तक पहुंचेगी। साथ में आर्क वेल्डिंग मशीन एंड हैव मोर फ्लैट करेक्टरिस्टिक कर्व, लाइक वोल्टेज आपका कांस्टेंट रहेगा, द स्लोप ऑफ द कर्व इज सो फ्लैट दैट स्मॉल चेंज इन वोल्टेज कांस्टेंट है मेक फॉर एन एक्सट्रीमली लार्ज चेंज इन आउटपुट करंट। वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो आउटपुट करंट को चेंज करेगा, और इसके पहले करंट कांस्टेंट थी, आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट मतलब चेंज कर रहा था। अब इसका क्या है, द सिस्टम्स आर जनरली प्रेफर्ड इन ऑटोमेटिक मशीन सिंस दे बिकम्स सेल्फ करेक्टिव। इसे हम लोग ऑटोमेटिक वेल्डिंग में यूज करते हैं। अब देखिए, व्हेन द इलेक्ट्रोड कम्स ए बिट क्लोजर टू द वर्क, जब इलेक्ट्रोड हमारा वर्कपीस के बहुत पास आ जाए तो उस समय आपका क्या होगा, द आर्क वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज आपका ड्रॉप हो जाएगा, बहुत ड्रॉप हो जाएगा, उसी ड्रॉप इसको मेंटेन करने के लिए फ्लैट करेक्टरिस्टिक मशीन का यूज करते हैं, है ना। रेजिंग द आउटपुट करंट टू ए वेरी हाई वैल्यू सो दिस करंट इंस्टेंटली मेल्ट द इलेक्ट्रोड
एंड थॉस मेंटेन द आर्किटेक्चर। तो ये आपका मतलब समझ में आ गया होगा। कैरेक्टरिस्टिक के लिए वोल्टेज आपका इस तरीके से लगभग कांस्टेंट जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक बीड आपको दिखाई दे रही है। अब ये वर्कपीस आपका कुछ इस तरीके से है, जब वर्कपीस आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से है और बीड ज्योमेट्री आपकी कुछ यहाँ पर, कोई प्लेट आपकी ऐसी ही तो होगी। अब इस बीड ज्योमेट्री में जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बीड ज्योमेट्री के बारे में। ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ कॉन्वेक्सिटी 10 से 15 डिग्री होगा, इधर भी एंगल ऑफ कॉन्वेक्सिटी। ऊपर वाले इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रेनफोर्समेंट, ये जितना पार्ट ऊपर होता है उसे रेनफोर्समेंट बोलते हैं और ये जितना अंदर ये डेप्थ जाता है इसे हम लोग पेनिट्रेशन बोलते हैं, टेस्ट ऑफ पेनिट्रेशन बोलते हैं। अब माय डियर देखिए जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं, ये हमारा क्या था, ये इधर प्लेट वन था और इधर प्लेट, हमने जैसे वेल्डिंग स्टार्ट किया तो यहाँ पे फिलर मेटल मेल्ट होने लगा और वर्कपीस को भी मेल्ट करके मिलाने लगा। अब सॉलिडिफाई होने के टाइम इसका हमने एक स्ट्रक्चर लिया, हमने वेल्डिंग किया और वेल्डिंग रोक दिया। अब ये लिक्विड स्टेट में था और लिक्विड से जैसे ही यह सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हुआ उस समय हमने इसकी एक पिक्चर ली इंस्टेंटेनियस पर। तो ये कैसा करेक्टरिस्टिक दिखाएगा उसी के बारे में हम आपको बताना चाहते। अब मानकर चलो कि यहाँ जब हमने देखा तो यहाँ लगभग आपके अंदर तो लिक्विड स्टेट से जैसे ही सॉलिड होने लगे तो बहुत बड़े बड़े ग्रेन्स थे, उन बड़े बड़े ग्रेन्स को हमने बोला लॉन्ग कॉल्यूमनर ग्रेन्स, उन बड़े बड़े ग्रेन्स को हमने बोला लॉन्ग कॉल्यूमनर ग्रेन्स। अब ये जैसे जैसे सॉलिडिफाई होने लगा इससे बेस मेटल की तरफ बढ़ने लगे, वेल्ड बीड से बेस मेटल की तरफ बढ़ने लगे, तो यहाँ पर इसके ग्रेन साइज घटने लगे और कुछ दूर पे आने के बाद ग्रेन साइज आपके कांस्टेंट हो। जहां तक ग्रेन साइज आपके चेंज हो रहे थे इधर भी, जहां देखो वेल्ड बीड से जहां तक ग्रेन साइज आपके चेंज हो रहे थे वहां तक इसके अंदर जो हीट थी वह इस बेस मेटल को इफेक्ट कर रही है, तो इस वजह से वह बेस मेटल प्रभावित हो रहा है। वहाँ तक उस बेस मेटल की स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी चेंज होगी, तो उस जोन को माय डियर बोलते हैं हीट अफेक्टेड जोन। मतलब उष्मा की वजह से जितने जोन हमारा बेस मेटल प्रभावित होगा उसे बोलते हैं हीट अफेक्टेड जोन, HAZ, हीट अफेक्टेड जोन। अब ऊपर देखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हीट अफेक्टेड जोन है और नीचे देखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब प्लेट वन में केवल इतना हीट अफेक्टेड जोन है और प्लेट टू में ये हीट अफेक्टेड, दोनों की अगर अलग अलग एनालिसिस करें तो ये हो गया। अब देखो वेल्ड बीड से जब बेस प्लेट की तरफ बढ़ने लगते हैं तो ग्रेन साइज घटने लगते हैं, और जब ग्रेन साइज घटने लगते हैं तो छोटे ग्रेन साइज की ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है और बड़े ग्रेन साइज की कम होती है। तो ग्रेन साइज जब घटेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मतलब वेल्ड बीड से बेस मेटल की तरफ जाएंगे तो यही क्वेश्चन आपका बनता है, वेल्ड बीड से बेस मेटल की तरफ जाएंगे तो स्ट्रेंथ आपकी घटेगी बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी। तो स्ट्रेंथ हमारी क्या होती है, इंक्रीज करती है। यहाँ से इधर जाने पर देखो ये स्ट्रेंथ हमारी इंक्रीज करेगी, कहाँ तक, जहाँ तक हीट अफेक्टेड जोन है, और उसके बाद बेस मेटल पर हर जगह स्ट्रेंथ कांस्टेंट रहती है। ये जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं ये जो ग्राफ है आपका ये स्ट्रेंथ का है, स्ट्रेंथ आपका क्या होगा बेस मेटल से, देखो ये जो बेल्ट आपका है इसे बीड बोलते हैं और बीड से बेस मेटल की तरफ जाने पर ग्रेन्स आपके छोटे होने लगेंगे और जितने छोटे होंगे उतने ही उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसके बाद उनके ग्रेन साइज कांस्टेंट हो गए, मतलब स्ट्रेंथ कांस्टेंट रहेगी। तो स्ट्रेंथ का ये ग्राफ आपका होगा, ये बढ़ेगी और यहाँ से कांस्टेंट। अब डक्टिलिटी का सेम अपोजिट होता है माय डियर, जब कोर्स ग्रेन होते हैं तो उसे आप खूब ज़्यादा खींच सकते हैं, स्ट्रेंथ रजिस्टेंस कम मिलेगा, लेकिन फाइन ग्रेन होंगे तो जब आप खींचेंगे ज़्यादा रजिस्टेंस मिलेगा। इसीलिए कोर्स ग्रेन की डक्टिलिटी ज़्यादा होती है और फाइन ग्रेन की कम होती है, और जहाँ ग्रेन साइज कांस्टेंट होंगे वहाँ डक्टिलिटी कांस्टेंट। तो जस्ट उल्टा इसका डक्टिलिटी, डक्टिलिटी आपका क्या होगा कि बेल्ट बीड से बेस मेटल की तरफ बढ़ने पर डक्टिलिटी आपकी घटती है। तो डक्टिलिटी का अगर आप देखो ये डक्टिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है,
और यहाँ तक डिक्रीज होगी, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। इधर देखो डक्टिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है और डिक्रीज होने के बाद यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगी, ये आपका होता है डक्टिलिटी। तो इस तरीके से बीट ज्योमेट्री में इतनी चीज़ें तो आपको आनी चाहिए कि डक्टिलिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्ट्रेंथ का क्या इफेक्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें और सारी चीज़ें हमने लिखा है, फाइन ग्रेन क्या है, कोर्स ग्रेन क्या है, और इसके बीच ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक मेटल लिक्विड स्टेट में होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेटल हमारा लिक्विड स्टेट में होता है, इसे हम लोग फ्यूजन जोन कहते हैं। फ्यूजन जोन जहाँ पर मेटल फ्यूज हो चुका है लिक्विड स्टेट में है, और इसके बाद इसके जस्ट पास मेटल के साइज थोड़े बड़े हैं, उसे हम लोग कोर्स ग्रेन बोलते हैं। और उसके और बात जाएंगे, एक इमेजिनरी बाउंड्री हम लोगों ने बनाई है, ऐसा नहीं है कि मेटल जस्ट यहीं पर अपना साइज चेंज स्टॉप बदल देता है, धीरे धीरे बदलता है। तो हम एक एवरेज इमेजिनरी बाउंड्री लाइन मतलब ड्रॉ कर लेते हैं अपने स्टडी को आसान करने। आगे बात करते हैं, देखो द साइज ऑफ हीट अफेक्टेड जोन विल इंक्रीज विथ, देखो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हीट अफेक्टेड जोन है इनका साइज बढ़ेगा और घटेगा, दोनों हो सकता है। अब अगर हीट अफेक्टेड जोन का साइज पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी स्टडी करनी चाहें तो उसकी स्टडी के लिए क्या होगा, यदि हीट अफेक्टेड जोन को बढ़ाना हो, हीट अफेक्टेड जोन इंक्रीज करना हो तो उस समय क्या करना होगा, इंक्रीज इन स्टार्टिंग टेम्परेचर, वेल्डिंग में जो स्टार्टिंग टेम्परेचर होगा उसे इंक्रीज करें, ये क्वेश्चन आता है। सेकेंड डिक्रीज द वेल्डिंग स्पीड, बाय वेल्डिंग स्पीड धीरे करेंगे तो मैक्सिमम हीट एक जगह ज़्यादा देर तक रुकेगी तो वहाँ बेस मेटल को गर्म करेगी तो हीट अफेक्टेड जोन बढ़ेगा। अब आप दीवार पर कुछ देर तक ऐसे देखो, आप गैस टॉर्च लो कुछ देर तक ऐसे दीवार पर लगाए रखो तो यहाँ ज़्यादा अंदर तक दीवार गर्म हो जाएगी, लेकिन आप तेज़ी से आगे ऐसे लेके बढ़ो वो दीवार बहुत ऊपर तक ही गर्म होगा, तो इसीलिए स्पीड डिक्रीज करनी होगी। नेक्स्ट इंक्रीज थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द बेस मेटल, अब बेस मेटल है अगर इसमें ऊष्मा चालकता कम होगी, हीट कंडक्टिविटी कम होगी, थर्मल कंडक्टिविटी कम होगी तो ये क्या होगा, यहाँ का पूल ऑफ मोल्टन मेटल इधर तक ही आएगा, उसके बाद हीट आने ही नहीं देगा, क्या होगा वेल्ड हीट अफेक्टेड जोन नहीं बनेगा या कम बनेगा। तो हीट अफेक्टेड जोन बढ़ाने के लिए वेल्ड आपका क्या हो, बेस मेटल आपका क्या होना चाहिए, बेटर थर्मल कंडक्टिव। नेक्स्ट डिक्रीज इन द बेस मेटल थिकनेस, थिकनेस को कम कर दोगे तो एरिया बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक जो है क्या है वेल्ड इफेक्टेड जोन हीट इफेक्टेड जोन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हाइड्रोजन, देखो इम्ब्रिटलमेंट मतलब हाइड्रोजन को भी मिला सकते हैं, नॉन टफनेस को भी कर सकते हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन क्रैकिंग, तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं, अब हम नहीं चाहेंगे कि हीट अफेक्टेड जोन हमें ज़्यादा बड़ा मिले, अगर लार्ज हीट अफेक्टेड जोन मिल रहा है वो हमारे लिए बेस मेटल की स्ट्रेंथ को वीक करेगा, अगर यहाँ तक हीट अफेक्टेड जोन मिलता तो बेस मेटल के स्ट्रक्चर को यहाँ तक चेंज कर चुका होता, यहाँ देखो बेस मेटल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वेल्डिंग में हीट अफेक्टेड जोन कम बने। उसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, अवॉइड हीट अफेक्टेड जोन प्री हीटिंग, मतलब जब हम वेल्डिंग करेंगे तो अगर हम चाह रहे हैं कि हीट अफेक्टेड जोन ये कम बने तो उसके लिए इस वर्क पीस को पहले से प्री हीटिंग करेंगे, और प्री हीटिंग करने के बाद जब वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर से हीट हम लोग करेंगे, उसे बोलते हैं पोस्ट हीटिंग। तो प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग दोनों करेंगे हीट अफेक्टेड जोन को रिड्यूस करने। अब बात करते हैं पॉइंट वन, देखो साइज ऑफ हीट अफेक्टेड जोन विल इंक्रीज विथ इंक्रीज द स्टार्टिंग टेम्परेचर, वो तो वही बात हो गई, एंड इन लिक्विड स्टेट प्रोसेस द जोन फॉर्म्ड आर फ्यूजन जोन हीट अफेक्टेड जोन, ये आपका फ्यूजन जोन होता है और पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हीट अफेक्टेड जोन, ये हमारा होता है हीट अफेक्टेड जोन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो हीट अफेक्टेड जोन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया, और उसके बाद
अब हम लोगों का क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टर्म शुरू होगा पोलारिटी से रिलेटेड। पोलारिटी क्या होता है ये हम लोग स्टार्ट करेंगे कि पोलारिटी आपकी कहाँ बनेगी, किस में बनेगी, एसी में बनेगी कि डीसी में बनेगी, एसी में कितना पोलारिटी मतलब तीव्रता हमारी बिल्डिंग की, एसी स्ट्रेट पोलारिटी क्या होगी, डीसी स्ट्रेट पोलारिटी क्या होगी, एसी रिवर्स पोलारिटी एसी में बनेगी भी कि नहीं बनेगी, डीसी रिवर्स पोलारिटी क्या होगी, डीसी स्ट्रेट पोलारिटी क्या होगी, तो इन सब चीज़ों को हम लोग माय डियर पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड इन ग्राफ की स्टडी भी हम लोग करेंगे। साथ में पोलारिटी से रिलेटेड हम लोग डिफिनेशन भी पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड कंपेरिजन भी पढ़ेंगे कि कितना डेप्थ जाने पर कितनी पोलारिटी मिलेगी और उस पोलारिटी पर कब वर्क पीस निगेटिव होगा, कब इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा और कब इलेक्ट्रोड निगेटिव होगा, कब वर्क पीस पॉजिटिव होगा। तो इन सब चीज़ों की स्टडी माय डियर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू माय डियर।